हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और फ्रेंड्स, अभी शाम का समय हो रहा है, तभी हम कहीं जा रहे हैं, तो टहलने के लिए नहीं जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। तो आगे मैं आप सभी को बताती हूँ कहाँ जा रहे हैं। और ये देखिए, आयशा नीचे उतर रही है और आयश पहले ही नीचे उतर गया है, वो हर चीज़ में आगे ही रहता है। और देखिए, अभी मैं नीचे उतर रही हूँ और यहाँ देखिए कुछ इस तरह का हमारा फ्लैट दिखता है। और मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ और ये देखिए नीचे जीना गया हुआ है। और ये जो फ्लैट है वो 5 मंजिल बना हुआ है। और इधर देखिए साइड में बहुत सारे मीटर लगे हुए हैं। और यहाँ पे सभी लोगों के मीटर नहीं है, बस कुछ ही लोगों के मीटर लगे हुए हैं। और कुछ लोग जो सौर ऊर्जा प्लेट होता है वो छत पे लगा कर रखें और उसी से अपना बिजली का पूर्ति करते हैं। और अभी देखिए मैं मेन गेट से बाहर आ गई हूँ और यहाँ देखिए एक बच्चा खेल रहा है और इसके मम्मी पापा भी यहीं पर हैं। ये देखिए जो जा रहे हैं ना, इसके पापा हैं और इसकी मम्मी वहाँ देखिए खड़ी है। तो शायद ये लोग मार्केट जा रहे हैं और जो बच्चा है कह रहा है कि मम्मी मैं भी जाऊँगा, लेकिन इसकी मम्मी पापा मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं जाओ तुम अंदर चले जाओ। इसका भाई अंदर ही खेल रहा है आयुष के साथ, और आयुष नहीं जा रहा है हमारे साथ, वो अपने दोस्त के साथ खेलेगा। तो ज़्यादा दूर में नहीं जा रही हूँ, यहीं पास में ही जा रही हूँ, मुझे चूड़ियाँ लानी है। तो मैं मार्केट नहीं जा रही हूँ, यहीं हमारे बिल्डिंग के पीछे एक दुकान है श्रृंगार का, तो वहीं से मैं लेकर आऊँगी। और देखिए फ्रेंड्स, अभी हम दुकान के पास पहुँच गए हैं, यहीं पास में ही दुकान है। और आते समय मैं गली से आई थी तो इसलिए मैंने रास्ते का वीडियो नहीं बनाया। और यहाँ पे देखिए कितने सारे हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। और मेरे पीछे जो बड़ा सा पेड़ आपको दिखाई दे रहा है ना, वो बेलपत्र का पेड़ है। बेलपत्र तो आप लोग जानते ही होंगे, बेलपत्र शिव भगवान को चढ़ाया जाता है जब उनकी पूजा की जाती है। और इन पौधों को किसी ने लगाया नहीं है, ये जंगली पौधे हैं, बरसात के दिनों में खुद ही उग जाते हैं। और इन पौधों पर देखिए फूल भी नहीं लगे हुए हैं, फिर भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे घर भी बने हुए हैं, और देखिए एक बड़ा सा स्कूल भी बना हुआ है, ये स्कूल का पीछे का हिस्सा है। और यहाँ पे देखिए आयशा खेल रही है, इसको बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। पता नहीं आप सबको कैसा लग रहा है, क्योंकि जहाँ पर हम रहते हैं ना, तो वहाँ पर तो पेड़ पौधे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं, बस बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें नज़र आती है। आप तो देखते ही मेरे वीडियो में तो अजीब सा लगता है, मैं सुबह उठो वही चीज़ें देखो बार बार यही। अब पेड़ पौधे ऐसे चीज़ होते हैं जो कि आप उनको देखोगे सुबह सुबह उठकर तो मन खुश हो जाता है, लेकिन बिल्डिंग देख के मन खुश नहीं होता है, अजीब सा लगता है। और हवा भी उतनी अच्छी नहीं लगती वहाँ पे, यहाँ पे खुला एरिया है देखिए, बिल्कुल खुला खुला सा है, तो हवा भी बहुत अच्छी लग रही है। और देखिए पेड़ पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं, झूम रहे हैं बिल्कुल हवा में। और ये देखिए सूरज की किरणें पड़ रही हैं, तो देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। और आगे मैं आप सभी को दिखाती हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिए। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आयशा आप सभी को हेलो बोल रही है। और यहाँ पे ना एक तितली बैठी हुई थी, तो आयशा उसी को बोल रही थी पकड़ के दे दो मम्मी मुझे। ये देखिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ, ये देखिए अंदर घुस कर बैठी हुई है, ब्राउन कलर की तितली है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो आयशा बोल रही है मम्मी दे दो मुझे पकड़ कर, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया कि मत पकड़ो बेटा, वो मर जाएगी थोड़ी देर में। तितली में जान ही कहाँ होती है, छोटी सी तो होती है और हल्का सा दब जाने से फिर उसकी जान निकल जाती है, तो बेकार में किसी का जान लेने से क्या फ़ायदा। तो आयशा को मैंने मना कर दिया और आयशा मान भी गई, वो ज़्यादा जिद नहीं करती। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दीवार पे एक गिलहरी चिपकी हुई है और एक गिर भी नहीं रही है। और यहाँ पे एक गिलहरी नहीं है, दो दो गिलहरी है, एक तो दीवार से चिपकी हुई है और दूसरी देखिए हॉल में बैठी हुई, सामने जो हॉल दिखाई दे रहा है आप सभी को उसी में। और जो गिलहरी होती है ना, बहुत ही खूबसूरत लगती है देखने में और बहुत तेज़ भागती है, किसी के पकड़ में नहीं आती है। और उसके बाद फ्रेंड मैं चली गई थी चूड़ियों की दुकान में, लेकिन मुझे चूड़ियाँ वहाँ पर नहीं मिली, मुझे हरी कलर की चूड़ियाँ चाहिए थी, लेकिन उनके पास दूसरे कलर की चूड़ियाँ थी, तो फिर मैंने नहीं लिया है। जो देखिए गाय बांधी हुई है, यहीं पर उनका दुकान, इस साइड जो घर दिख रहा है आपको, तो घर में ही दुकान चलाते हैं वो और पार्लर भी चलाते हैं, तो इसलिए मैंने वहाँ पे वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी औरतें थी जो कि अपना काम करवा रही थी, जैसे कि आईब्रो बनाना, बाल कटवाना, ये सब करवा रही थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया। और यहाँ पे देखिए चिड़ियाँ उड़ रही थी बहुत तेज़, इसकी आवाज़ निकल रही थी, ये देखिए कितनी तेज़ उड़ रही है और आवाज़ भी इसकी बहुत तेज़ निकल रही थी, तो अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने शूट कर लिया। और यह देखिए कॉलोनी है बहुत बड़ा, और देखिए कितने अच्छे अच्छे घर बने होते हैं कॉलोनी में भी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ घर, बहुत ही खूबसूरत ये घर है, ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है, और इसकी डिजाइनिंग देखिए कितनी अच्छी है और कितना बड़ा है ये,
जितना बड़ा आपको आगे से दिख रहा है ना, इतना ही बड़ा ये पीछे से है। और मतलब कि जो चतुर्भुज होता है ना, चार कोने बराबर होते हैं, उस तरह के घर है। देखिए कितना बड़ा दिख रहा है। और यहाँ देखिए आयशा, आयशा यहाँ पर खड़ी है, और आयशा तो आया नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। और देखिए आयशा किस तरह से चल रही है, इसी तरह से करती है, ये देखिए। और कॉलोनी का ना यही दिक्कत है, देखिए क्या हाल हो रखा है बारिश होने के कारण। तो अभी तो कुछ ठीक है, जाने का रास्ता बना हुआ है, इससे पहले तो और ख़राब हो रखा था जब बारिश हो रही थी। तो अभी धूप निकल रही है, थोड़ा थोड़ा सूख रहा है साइड से। और देखिए ऐसा जा रही है। और ये देखिए हमारी बिल्डिंग का पीछे का हिस्सा है, और ये पार्किंग है, और इसमें फार्म हाउस बनेगा, मैंने आपको पहले बताया था। और यहाँ देखिए कॉलोनी कुछ इस तरह का दिखती है, ये देखिए। और ये हमारे जो पीछे का गेट है उसके बाहर का एरिया है, यहाँ पर देखिए दुकानें वगैरह बन रही है। और हम अपने बिल्डिंग के पास पहुँच चुके हैं, ये देखिए। और ऐसा देखिए गेट के पास पहुँच गई है अंदर जाने के लिए, अभी गेट बंद है, उसको खोलना पड़ेगा। और देखिए बाहर का एरिया कुछ इस तरह का दिखता है। और देखिए फ्रेंड्स अभी हम गेट के अंदर आ गए हैं, और आयशा देखिए जा रही है आगे से, इसकी सहेली खिलाते हुए आ रही है आयशा। आयशा देखिए आयशा भी हाथ हिला रही है, और ये देखिए इसकी सहेली है। और सभी बच्चे यहीं पे आपस में खेलते हैं, देखिए आयुष भी यहीं पे खेल रहा है, तो वो मेरे साथ नहीं गया था, ये अपने दोस्तों के साथ यहीं खेल रहा था। और यहीं पास में ही दुकान था बिल्डिंग के पीछे, मैंने आपको दिखाया। तो ये देखिए आयशा की सहेली कितनी खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, इसकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। ये देखिए दोनों आपस में खेलते हैं, और आयुष तो अपने दोस्तों के साथ खेलता है, लेकिन आज ये बच्चों के साथ ही खेल रहा है आयशा, और आयुष अपनी इसकी सहेली के साथ। शायद इसके दोस्त नहीं आए अभी, तो जब आएंगे तो उसके साथ ही खेलेगा। और यहाँ पे देखिए अभी खेल रहे हैं बच्चे, तो कुछ देर बच्चे खेलेंगे, उसके बाद फिर मैं ऊपर चले जाऊँगी इनको लेकर। तब तक आप वीडियो में बने रहिए। आज के वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल आइकन के ऑल को दबा ले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।